आपको समझाते हैं। आप जिज्ञासु हो तो आप समझ भी सकते हैं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत नहीं पड़ा है, आप समझेंगे नहीं, ये भी सच्चाई है। आपको जरूरत हो गई है, आप समझेंगे समझेंगे। मेरा विश्वास है आपको जरूरत है, यहाँ हम आते हैं। इसका मतलब ये समझा, जीवन एक ऐसा वस्तु है जो कि शरीर से जो कुछ भी काम करता है, शरीर की आवश्यकता से अधिक हो ही जाता है। यह सहज प्रक्रिया है। इन सहज प्रक्रिया को भी देखा हूँ, इसी आधार पर वो जीवन को भी देखा हूँ, जीवन और शरीर के संयुक्त रूप में मनुष्य को देखा हूँ। अभी तक हमारे सम्मुख क्या समस्या थी? हम अध्यवसायिक विधि से जीवन बोधन कराने में असमर्थ रहे, अस्तित्व बोध कराने में असमर्थ रहे। जो कुछ भी विज्ञान ने अस्तित्व को बोध कराने गया, वो अंततोगत्वा अस्तित्व को एक अनिश्चयता की कगार में मानते हुए अपने ढंग अपने अर्थ को, वही संघर्ष के अर्थ को जो अभी पहले बताया, कामोन्माद भोगोन्माद और लाभोन्माद के अर्थ में संघर्ष करने के लिए, अपने हविषों को पूरा करने के लिए वो अपना व्याख्याएं देते रहे, हम उसको स्वीकारते रहे। स्वीकार करके हम जब उसके द्वारा गुजरते हैं, वो हमारे लिए तृप्ति का आधार नहीं बना। इस ढंग से हम अंतर्विरोधी होकर के जीते रहे। अभी जो प्रस्ताव आपके सम्मुख प्रस्तुत हो रही है, इससे इसकी ये की बात है। क्या बात है? हमको समझना ही है, हमारा जैसा आपको भी समझना है। मैं जांचता हूँ अपने में, वैसे ही आपको भी जांचना है। और जांच करके जब आप तृप्त होते हो, वो दूसरे के लिए हम अपने को अर्पित करना होगा। दूसरे व्यक्ति को हम समझा पाए, तब हम हमारे में मुझ में ये विश्वास होता है कि हम समझ गए हैं। जब तक हम दूसरों को समझा नहीं पाते हैं, तब तक हम समझ गए हैं, इसका प्रमाण ही कहा है। ये एक कसौटी है, समझदार हो गए। इसका कसौटी क्या होगा भाई? वो मुझ में जो अनुभव हुई है वो ये है, समझदारी में हम सह अस्तित्व को देखा है। सह अस्तित्व में मानव अपने परिवार की आवश्यकता से अधिक उत्पादन कर समृद्धि का अनुभव कर सकता है। व्यवहार में हर मोड़ मुद्दे में मनुष्य का समझदारी समाधान के रूप में ही ध्रुवीकरण होता है। इन तीनों बातों को हमने देखा है, जिसको हम अध्ययन कराने आगे इसी का अध्ययन कराएंगे। तो इन अध्ययन क्रम में जब हमको समझदारी आती है, उसको हम प्रमाणित करने के क्रम में हम बहुत बड़ा दूर दूर तक हम फैल जाते हैं, जबकि शरीर इतने में ही रहता है जितना लंबाई चौड़ाई रहती है। हमारा समझदारी दूर दूर तक फैलता है। जैसा अभी आप ही हम एक कर्म कर रहे हैं, जो मानव के लिए जो एक प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं, ये स्वयं में अपने आप से एक व्यक्ति की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई की जगह में से बहुत दूर दूर तक फैलने वाली चीज़ें है। इसी प्रकार हर मनुष्य में वो मादा है, हर मनुष्य में वो योग्यता है, वो हर मनुष्य में वो अरमान है, हर मनुष्य में ऐसा एक उत्साह जगाया जा सकता है। कैसे? समझदारी के अर्थ में। ये इस प्रस्ताव का मतलब है। इस विधि से हम यहाँ पहुँचे। विज्ञान अपने में एक सीढ़ी है, उसके पहले की सीढ़ी एक आदर्शवाद है, उसके पहले जो सीढ़ी है कलाकारी ग्राम और कविला समाज संसार है, उसके पहले जो भटकता हुआ जो जंगल में भटकता हुआ और शिलायुग में सिर कूटता हुआ एक सीढ़ी है। इस ढंग से ये सीढ़ियाँ लग करके हम यहाँ तक पहुँचे हैं। इस उपकार को अपने को स्वीकारना चाहिए और इसके लिए हम कृतज्ञ हों। ये दूसरा एक स्थिति में हम पहुँच गए। अब ये पृष्ठभूमि का सामान्य उपक्रम आपको बताया। मैं स्वयं उसका सार संक्षेप क्या बना, हम स्वयं परंपरा ने जो उच्च कोटि की चीज़ हमको प्रस्तुत की, उसमें हम संतुष्ट नहीं हुए। फलस्वरूप हम अपने को एक जिम्मेवार व्यक्ति माना,
हमारा प्रश्न का जिम्मेवारी मेरा ही है, ऐसा जिम्मेवारी को स्वीकारा, फलस्वरूप प्रयत्न किए, वैचारिक प्रयत्न किए, और कोई बात के लिए हम प्रयत्न नहीं किए। और वैचारिक प्रयत्नों में हम अंत में ये पाया, सभी मनुष्य सुखी हो सकता है, सभी धर्म सफल हो सकता है, ठीक है, और ये धरती स्वर्ग हो सकता है, मानव देवता हो सकता है, इस प्रकार की चीज पा गए। इसीलिए हमारा इच्छा हुई, हमारा उत्साह बना, जो सारा मानव के समूह किसको रखा जाए, उसी प्रयत्न में हम चल रहा। जब मैं अपने में अस्तित्व समझा, अस्तित्व जीवन और मानवता पूर्ण आचरण भले प्रकार से समझा, उसके तुरंत बाद ही मुझमें एक ऐसी स्थिति बनी जिसको अभी आपके सम्मुख रखना चाह रहे हैं। मैं अपने में विश्वास करना बन गए, अपने आप में बने। इसमें कोई बहुत बड़ी भारी चक्करडंडी किया हो अथवा बहुत प्रयास किया हो, परिश्रम किया हो, ऐसा कुछ भी नहीं। समझदारी के तुरंत बाद ही स्वयं अपने आप में विश्वास होना शुरू किया। विश्वास को हम हर आयामों में जांचना भी शुरू किया। उसी भांति श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बन गई, जो मतलब किसी भी श्रेष्ठता है उसको मूल्यांकन करना बन गए, फलस्वरूप सम्मान करना बनता है। हम जिसको मूल्यांकन करते नहीं हैं उसको हम सम्मान कर नहीं पाएंगे। मेरे अनुसार वो एक लक्ष्मण रेखा समझ में आ गई। समझदारी के बाद ही कहीं ये उपजना शुरू किया, श्रेष्ठता का सम्मान करना भी बनने लगा। तीसरा मुद्दा ये बनी, जो कुछ भी हमारा समझदारी थी उसके अनुसार हमारा व्यक्तित्व को पूरा का पूरा एक सुविधाजनक विधि से हम झेलने योग्य हो गए। मुझको कहीं भी ऐसा दिक्कतें नहीं हुई जिससे कि प्रतिभा के अनुसार, जैसा कि अस्तित्व सहज विधि के अनुसार, जीवन सहज विधि के अनुसार हम जी नहीं पाऊंगा, ऐसा कोई घाट अभी तक मिला नहीं। आगे जैसा हो, ठीक है, अभी तक तो मेरे सम्मुख ऐसा कोई घाट मिला नहीं। इसका नाम दिया है प्रतिभा और व्यक्तित्व में संतुलन नाम दिया है। इसमें हम सही सच्चा उतर गए। तीसरे स्थिति में, चौथे स्थिति, पांचवें स्थिति में ये आई, व्यवहार में हम सामाजिक होना, सामाजिक होने का तृप्ति मुझको अपने आप से मिलने लगा। उसका ज्वलंत गवाही ये हुई, हमको संसार के प्रति कोई भी शिकायत शेष नहीं रह गई। किसी के ऊपर मेरा कोई शिकायत नहीं है। अब रह गया मैं कितना सार्थक होता हूँ, नहीं सार्थक होता हूँ, उस बात की जांच हरदम करता रहता हूँ। इस ढंग से हम एक तो शिकायत से मुक्त हो गए, मेरे दायित्व कर्तव्यों को हम जितने संबंधों में जीता हूँ उस ढंग से हम जीने में सार्थक हो गए। दूसरे ओर भौतिक समृद्धि, तो हम यह भौतिक रूप में ऐसा तो हम आरंभिक काल में बाल्यकाल से ही हम परिश्रमी परिवार में थे, परिश्रम करना हम जानते ही थे, सेवा करना भी जानते ही थे, किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में नहीं आती रही। किंतु समृद्धि का मतलब हमको समझ में आ गया, हमारा परिवार के लिए जितना जरूरत है उससे ज़्यादा हम उत्पादन कर लेते हैं, हम समृद्धि का अनुभव करते हैं। इसमें शायद है किसी को शिकायत नहीं होना चाहिए, होता है तो उसको ठीक कर लेना चाहिए, ठीक है। तो इसके बाद ये इस ढंग से छः बहुत बढ़िया चीज़ हमारा हाथ लग गए। इसका नाम दिया स्वायत्तता। मनुष्य अपने में स्वायत्त हो सकता है समझदारी के आधार पर। मैं स्वायत्त हुआ हूँ, ऐसे ही आप भी हो सकते हो, इस ढंग की बात आ गई। उसके बाद आगे चल करके ऐसे समझदारी को हम वांग्मय बनाने के लिए तैयार। जब स्वायत्त हुए तो हमारे बात संसार को हम परोस सकते हैं,
बता सकते हैं, समझा सकते हैं, बोल सकते हैं, जी सकते हैं, ये सब साथ साथ आने लगा। फलस्वरूप इसको एक वांग्मय रूप, दस्तावेज का रूप देना शुरू किया। पहला दस्तावेज तैयार हुई मध्यस्थ दर्शन सहअस्तित्ववाद। मध्यस्थ दर्शन में, मध्यस्थ दर्शन को चार खंडों में, चार अध्यायों में ध्रुवीकृत किया। पहला अध्याय का नाम दिया है मानव व्यवहार दर्शन, दूसरा अध्याय का नाम है मानव कर्म दर्शन, तीसरा अध्याय का नाम है अभ्यास दर्शन, चौथा अध्याय का नाम है अनुभव दर्शन। इस ढंग से चार अध्याय में पूरा दर्शन को लिखा। इन दर्शन का मूल तत्व है मध्यस्थ दर्शन। मध्यस्थ दर्शन का मतलब मैं इतने ही अभी बताना चाह रहे हैं, तो अस्तित्व में सम विषम मध्यस्थ शक्तियाँ अर्थात गतियाँ हैं। इसका अपने अपने ढंग की परिणाम है, जिसमें से मध्यस्थ बल और शक्ति वैभवित होना ही मानव परंपरा का अद्भुत देन है। ये इससे मैं भी चमत्कृत हुआ। अभी तक विज्ञानी, ज्ञानी, अज्ञानी कोई भी इसका गंध लग जाता है, वो चमत्कृत होते ही हैं। मेरे सम्मुख अभी जितने भी हुआ है विज्ञान के अनुसार जो समविषम शक्तियों को मानने की जगह में है, मध्यस्थ शक्ति मध्यस्थ बल को कोई प्रयोजन के रूप में समझना अभी तक बना नहीं है। मैं सोचता हूँ ये बहुत बड़ी भारी खामी रह गई, इसीलिए पुनर्विचार करने के लिए जरूरत आ गई, ऐसा मैं सोचता हूँ। तो मध्यस्थ जीव, मध्यस्थ बल, मध्यस्थ शक्ति, मध्यस्थ सत्ता, मध्यस्थ जीवन, इन चार बातों को, चार तथ्यों को, चार विधि से तथ्यों को समझाने का कार्य किया है, इसी का नाम है मध्यस्थ दर्शन। सहअस्तित्ववाद को जब हम स्पष्ट करने के लिए गए, वो तीन स्वरूप में, तीन शीर्षक में तैयार हुए। सहअस्तित्ववाद पहला जो बना समाधानात्मक भौतिकवाद, उसका ध्रुव बिंदु है पूरा का पूरा भौतिकता और रासायनिकता है, ये अपने में त्वासहित व्यवस्था के रूप में प्रकाशित है। ये समग्र व्यवस्था में ये सब भागीदारी करते हैं, चैतन्य प्रकृति के साथ भी पूरक हैं, भागीदारी करते हैं, और जड़ प्रकृति के साथ भी वो भागीदारी करते हैं। इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की, इसका नाम देने के लिए मना हुआ समाधानात्मक भौतिकवाद। अभी हमारे पास जो कुछ भी वाद है वो संघर्षात्मक माने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। तो मैं ये इस बात को स्पष्ट करने की कोशिश की है, अस्तित्व स्वयं में कोई झगड़ा नहीं है, द्रोह नहीं है, विद्रोह नहीं है, छीना झपटी नहीं है, एक दूसरे के लिए पूरक है, एक खुशहाली है, एक उत्सव है, निरंतर विकास है, ये बात को समझाने की कोशिश की है। जो कोशिश में वांग्मय तो वांग्मय है, किंतु आदमी आदमी से ही समझेगा मेरे अनुसार। तो वांग्मय में तो कोशिशें हो सकता है, अभी तक भी कोशिशें हुए हैं, उसी क्रम में हम भी किया है। इसमें मूल मुद्दा ये है, त्राण प्राण की बात यह है, विज्ञान सम्मत विवेक, विवेक सम्मत विज्ञान विधि से तर्क को प्रस्तुत किया है। विवेक का तात्पर्य में यह स्पष्ट करने के लिए स्पष्ट किया है कि प्रयोजनों का पहचान, प्रयोजन यदि समझ में आई है, पहचान हो गई है, उसके लिए हम जो विश्लेषण को, उसका विश्लेषण हम करेंगे। प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, हम विश्लेषण करते जाए, कौन सा दलदल में जाते हैं वो आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आता है। विज्ञान की गति आज जहाँ आदमी जात को ले जा करके बैठाया है या धसाया है, फंसाया है, जो कुछ भी किया है, वो आप स्वयं मूल्यांकन कर सकते हैं। तो समाधानात्मक भौतिकवाद के अनुसार जो कुछ भी अस्तित्व में भौतिक रूप में है, रासायनिक रूप में है, ये सब कोई व्यवस्था में है, ये मनुष्य की व्यवस्था में जीने के लिए प्रेरक है, ये समाधानात्मक भौतिकवाद का मतलब है। और दूसरा मतलब यह है समाधानात्मक भौतिकवाद में सभी
एक एक दूसरे के लिए पूरक हैं, वैभव के लिए सहायक हैं और आगे की विकास के लिए एक दूसरे के साथ अंतर संबंध जुड़ी हुई है। इस ढंग से समाधान बताई गई है। दूसरा जो एक लिखा मैंने सहअस्तित्ववाद को, दूसरा प्रबंध का नाम दिया व्यवहारात्मक जनवाद। मानव जो है अस्तित्व में व्यवहार पूर्वक ही मैंने संतुष्ट होने की जगह है। व्यवहार मानव मानव के साथ करता है, मानव के साथ मानव का व्यवहार अपने आप में मानवीयतापूर्ण आचरण के रूप में स्पष्ट हो जाता है और उसको स्पष्ट करने की कोशिश की बहुत अच्छे ढंग से। उसके बाद तीसरा एक प्रबंध लिखा अनुभवात्मक अध्यात्मवाद। अध्यात्म जिसको मानते रहे संसार और उसको समझाने में असमर्थ रहे, और ऐसे अध्यात्म को हम आसानी से चंद क्षणों में ही समझ सकते हैं। जैसा आप हम बैठे हैं, आप हमारे बीच में जो विस्तार दिखाई पड़ती है इसी को विस्तार और शून्य कुछ भी कहते हैं। ये विस्तार जो आप हमारे बीच में भी ऐसे ही है, ये धरती दूसरा धरती के साथ भी वैसे ही है, एक सौरव्यूह दूसरा सौरव्यूह के बीच में भी ऐसे ही है, और एक आकाशगंगा दूसरा आकाशगंगा के बीच में भी ऐसे ही है। तो ये विस्तार सब जगह में एक सा है, इतना ज्ञान होता है। ये वस्तु व्यापक है, व्यापक वस्तु में है, एक एक वस्तु भिगा डूबा घिरा हुआ है, ये हमको समझ में आ गया। व्यापक वस्तु के बारे में कोई शंका करने की जरूरत नहीं, कितना देर लगा आप हमारे बीच में, व्यापक वस्तु है ये, इसको समझने में अपने को देर नहीं लगता। इसी को हम जो इसका अनुभव सबसे पहले आदमी को होता है, उसके बाद आपका होना अनुभव होता है। यदि ये बीच में आप हमारे बीच में ये विस्तार ना हो, आपको मैं देख ही नहीं सकता, आपका अनुभव मुझको हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए सर्वप्रथम जो कुछ भी अनुभव होता है व्यापक वस्तु ही होता है, उसके बाद एक एक वस्तु का अनुभव होता है। ये इस तथ्य को स्पष्ट करने के लिए कोशिश की है। ये अनुभवात्मक अध्यात्मवाद का मर्मस्थल ही है। इसकी जरूरत के बारे में ये प्रकाश डालने की कोशिश की है। इसमें भ्रमित होने के बाद आदमी मानव जाति अपने को पहचान नहीं सकता। अस्तित्व को समझे बिना अस्तित्व का ही एक पुर्जा के रूप में जो है मानव जाति, वो अपने को कैसा समझेगा, ये तो होना ही नहीं। इसीलिए अस्तित्व को समझना बहुत जरूरी है। वो ये व्यापक वस्तु में ही संपूर्ण एक एक वस्तु है, ये स्वयं सह अस्तित्व का गवाही हो गई। तो अस्तित्व सह अस्तित्व को हम यदि भुलावा देते हैं सिवाय संकट की और कुछ होता नहीं। ये निकल गया, इससे मूल्यांकित हुआ विगत का। अभी तक जितने भी हम द्रोह विद्रोह शोषण युद्ध किए हैं, ये सब का सब सह अस्तित्ववादी विरोधी है। सह अस्तित्व के विरोध में ही हम सब किया है। सब करने के बाद हम कैसे पाने के लिए कोशिश करें, पाने के लिए इच्छा करें, सही चीज़ को पाने का कोई आसरा ही नहीं रह गए। इसलिए हमको गलत गलत ही घटनाएं सामने आता रहा। हम जैसा जब कभी भी रोते भी रहे, कभी हंसते रहे। जैसा किसी समुदाय परिवार व्यक्ति दूसरे किसी को मार डालता है, उनका परिवार वालों ने बड़ी खुश होते हैं, यह हमारा शत्रु को नाश कर दिया, बहुत खुश है। देश भी ऐसे ही सोचता है, सरकार भी ऐसे ही सोचता है, अब क्या किया जाए। ऐसे ही धर्मगति भी ऐसे ही मानता है, विधर्मी नाश हो जाए तो हम खुश हो जाए, ऐसा वो भी सोचते हैं। अब इस ढंग से किसके शरण में जाएं भाई, धर्मगति के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं, और राजगति के पास जाओ तो ऐसा सोचते हैं। शिक्षा गति में कोई दिशा ना हो और प्रयोजन समझ में नहीं आता हो, ये जो कुछ भी मिलता हो भ्रमे भ्रम मिलता हो, तीन वाद के रूप में आपको पहले से बता दें। अब उसके बाद हम कहाँ ठोर पावें, कहाँ क्या करें, ये परेशानी थी जिसको हमारा पहले की जो ये सब स्थितियाँ जागृति की पहले हमारा जो परेशानी थी
वो सब इसी प्रकार मुझ में भी था, आप लोगों के साथ भी वैसा ही है, आप लोग भी उसी खेत की ढेले हैं जो मानव परंपरा की एक शरीर है। शरीर का रचना गर्भाशय में होता है, उसके मूल में जो प्रक्रियाएं होते हैं वो सब आप हम समझ गए हैं, और उसके बाद यदि कोई चीज़ है, जीवन है, जीवन शरीर को जीवंत बनाए रखा है और जीवंतता पूर्वक ही हम कष्ट सुख को भोगते हैं, ये सोचते हैं और एक दूसरे से बात करते हैं, ये बात हमको समझ में आ गई। इस विधि से हम बहुत अच्छी ढंग से इस तथ्य को स्वीकारने के लिए तैयार हुए कि हम इसको पूरे के पूरे चीज़ को मानव के पास पहुंचाना ही चाहिए। उसके बाद उसको शास्त्र के रूप में हम पा गए। शास्त्र के रूप में पाया तो क्या पाए, माने शास्त्र के रूप में पाने का मतलब जीने की कला के रूप में। तो अभी जो कुछ भी अर्थशास्त्र है वो लाभोन्मादी अर्थशास्त्र, उसे तो आदमी सुखी हो नहीं सकते, सब तो सुखी हो ही नहीं सकता। इस आधार पर यदि सुखी होने की रास्ता है, सुखी होने का रास्ता है वो केवल आवर्तनशील अर्थशास्त्र विधि से है, अर्थनीति से है, अर्थकार्य से है, इसी विधि से है। इसको हम स्पष्ट करने की कोशिश की, वह व्यवस्था के अंगभूत हो सकता है, ये स्वाभाविक है। दूसरा प्रबंध ये लिखा है कि व्यवहारवादी समाज शास्त्र, मनुष्य जो है व्यवहार पूर्वक ही संतुष्टि पाता है, मनुष्य के साथ ही व्यवहार करता है, व्यवहार न्यायपूर्वक होता है, इस मुद्दे को इस ढंग से स्पष्ट करने की कोशिश की। व्यवहारवादी समाज शास्त्र, उसका मूल ध्रुव बिंदु है मानवतापूर्ण आचरण, फलस्वरूप राष्ट्रीय आचार संहिता के रूप में हम मानवीय आचरण को स्वीकार सकते हैं। इसको संविधानों में, सभी देश के संविधानों में इसको पहचाना जा सकता है। इससे संसार में समुदाय के बीच में जो मने युद्ध की खौफ बनी रहती है वो सब इससे निवारण हो सकता है। युद्ध के प्रयास जब तक है तब तक ये धरती को तंग किए बिना आदमी जी नहीं सकेगा, और ज़्यादा तंग करने के लिए ज़्यादा मने विज्ञान बुद्धि को प्रयोग करना पड़ता है। इससे विज्ञान बुद्धि का भी मूल्यांकन हो जाता है। युद्ध को संरक्षण करने के लिए विज्ञान शुरुआत हुई, आज भी युद्ध को संरक्षण देने के लिए ही विज्ञानी, ज़्यादा से ज़्यादा विज्ञानी उसी में ज़्यादा तनख्वाह पाते हैं, पैसा पाते हैं, अपने को धनी मानते हैं। करना क्या है, धरती को बर्बाद करना है, बात इतनी ही, छोटी सी बात। इस छोटी सी बात से मुक्ति पाना है हमको समझदार होना ही है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। ना पहले से ही अपने पा चुके, ना समझी से साला गलतियाँ होते हैं, और मैंने समझदारी से सही ही होती है। हम मानव सही में ये कहें, गलती में अनेक कहें, खत्म हो गया बात, छोटी सी निष्कर्ष ऐसा बनता है। इस विधि से हम जब इसको सबको समीक्षित करते हैं पता लगता है हम कितने पानी में खड़े हैं, कैसे पानी में खड़े हैं, ये दोनों नापने में आता है। इस नापदंड में आते हैं तो तब पता लगता है हम किस तरीके की आदमी हैं, उसका मूल्यांकन आगे करेंगे। तीसरा शास्त्र ये लिखा है कि मानव संचेतनावादी मनोविज्ञान, इस मनोविज्ञान शास्त्र में ये बताना चाहा है जीवन संचेतना का आधार है, शरीर संचेतना को मानव परंपरा में व्यक्त करने का माध्यम है, ये बात को सुदृढ़ रूप में समझाने की कोशिश की है। उसको आप लोग जांचेंगे, यदि आप लोगों को समझ में आ गया हमारा लिखना सार्थक हो गया, यदि समझ में नहीं आया तो कोई सार्थक नहीं हुआ, ठीक, ये देख लीजिएगा। इस ढंग से दर्शन, विचार, शास्त्र, इन तीनों चीज़ों को दिया। शास्त्रों का मूल आशय ये ही है मानव व्यवस्था में जीना है, जीने के लिए कौन सी ऐसे तरीका है, माने विधि क्या है, नीति क्या है, पद्धति क्या है, प्रणाली क्या है, इन चारों बातों को स्पष्ट किया है। इसके बाद
इसको क्रियान्वयन करने के लिए योजनाएं आई। योजनाएं तीन स्वरूप में आई। पहला योजना है जीवन विद्या योजना। इसका मूल स्वरूप ये थी, दो आदर्श युग में भी कहीं ना कहीं आत्मा परमात्मा ऐसे चीजों को समझाने के लिए बहुत कोशिश की। लोह लुहान हो गए, समझा नहीं पाए, ना समझ पाए, अब क्या करें। लोह लुहान ही हाथ लगी, अब क्या किया जाए। तब इसका उत्तर होना चाहिए अनुभवात्मक अध्यात्मवाद लिखा ही था, उसके आधार पर हम मानव संचेतनावादी मानव विज्ञान लिखा। उसमें मानव संचेतना संज्ञानशीलता संवेदनशीलता के रूप में कार्य करता हुआ प्रमाणित किया है। उसका प्रमाण मैं स्वयं पहला आदमी हूँ, उसके बाद आप सब हो सकते हो, चाहे तो, नहीं चाहे तो खुशहाली मना सकते हो, कोई विपदा नहीं है। इस विधि से मानव संचेतना का ध्रुवीकरण मिली, एक ध्रुव। दूसरा ध्रुव व्यवहार में प्रमाणित होना। व्यवहार में प्रमाणित होने का मुद्दा बहुत आसानी से मिल गई। व्यवहार में हम समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व को प्रमाणित करना है, ठीक है। इसके लिए न्याय माने नियम, न्याय माने व्यवस्था, समाधान और सत्य को प्रमाणित करना है। ये प्रमाणित करने की विधि के लिए ये पूरा वांग्मय को आदमी के सम्मुख, मानव जाति के सम्मुख, मेधावी के सम्मुख, सर्वमानव के सम्मुख प्रस्तुत किया, ठीक हो गए। इस ढंग से ये तीन योजना में से एक योजना जीवन को समझाने के पक्ष में है, क्योंकि आदिकाल से इसमें इसी मुद्दे पर ज्यादा पराभव हुई, पहले उसी को अजमा लें। यदि अपन समझा पाते हैं, आगे की दो बात समझ में आएगा ही, उसमें ज्यादा कठिनाई नहीं है। कठिनाई जो कुछ भी है स्वयं के प्रति अनजानता है, स्वयं के प्रति अनभिज्ञता है, यही अपने को ज्यादा से ज्यादा परेशान किया है, उसको दूर करने के लिए ये जीवन विद्या को बताने की कोशिश की। इसका जो माने केंद्र बिंदु है वो जीवन हर मनुष्य में समान है, बच्चे बूढ़े शिशु वृद्ध सब में समान रूप में विद्यमान है। समानता का आधार जीवन है, ना कि शरीर। शरीर कभी भी दो शरीर एक समान होते ही नहीं, ठीक हो गए। शरीर की विविधता रहेगी, जीवन की समानता रहेगी। जीवन समान है, जीवन शक्तियां और बल समान है, और जीवन का लक्ष्य समान है। इन चार मुद्दे को मैं पा गया। जीवन अपने में जागृत होना चाहता है, जागृति इसका लक्ष्य। हर व्यक्ति जागृत होना चाहता है, हर व्यक्ति समाधानित होना चाहता है, हर व्यक्ति न्याय चाहता है, ये तीनों जीवन का चाहत। आप सब इस बात को जांच सकते हैं, आपका कोई अंगावयव ऐसा नहीं है जिसके साथ जो अंगावयव न्याय को प्रतीक्षा करता हो। आप सब जांचिए, आप ये पाएंगे कोई अंगावयव आप नहीं पाएंगे जिसमें न्याय का प्रतीक्षा हो, न्याय को चाहता हो, ऐसा कोई जगह आपको मिलेगा नहीं, जबकि आप स्वयं चाहते हो न्याय, ठीक है। अब ये अंगावयव समाधान को चाहता हो, ऐसा भी कोई अंगावयव नहीं, जबकि आप स्वयं समाधान चाहते हैं। और उसी प्रकार सत्य को कोई अंगावयव चाहता नहीं, चाहता है जीवन। तो इस आधार पर यह निष्कर्ष निकला, न्याय धर्म सत्य को समझा दिया जाए, सीधा सीधा बात, जीवन को चाहिए ये, ठीक है। जीवन का स्वरूप को समझा जाए, जीवन क्रियाओं को समझा जाए, जीवन तृप्त होने के लिए न्याय धर्म सत्य चाहिए, इसको समझाया जाए। ये छोटा सा काम इसमें से निकला है।
उसके आधार पर जीवन विद्या योजना प्रस्तुत किया, उसको कार्य योजना में परिणत किया। तो दिग्गज विज्ञान के विज्ञान में दिग्गज कहलाने वाले विद्वान मूर्ख या और किसी भी मुद्दे पर विद्वान मूर्ख सभी इसको सुने हैं। उनके सुनने के आधार पर उनका यही निकला है अभी तक, इसको हम पूरा समझ सकते हैं। कुछ लोग समझ गए, वो दूसरों को समझाने में लग गए, वो भी सफल हो गए समझाकर, तब हम विश्वास किया हमने जो समझाया है सार्थक। कल आप भी यही करोगे, आप समझने का प्रमाण आप किसी को समझाओगे, वो जब दूसरे को समझा लिया तब आप समझाना सार्थक हुआ, प्रमाणित हुआ। जब तक आप समझाया हुआ, जब वो दूसरे को समझा नहीं पाता है तब तक आप समझाने का प्रमाण कहाँ है? ठीक है, इस ढंग से मैं आश्वस्त हुआ यह प्रामाणिक वस्तु है, इसको समझाया जा सकता है, इसे ये सब समझ सकते हैं। उसके बाद ये शुरू किया वांग्मय को लोगों को छपवा करके देने के लिए, अब जीवन विद्या योजना को सार्थक बनाने के लिए शुरुआत की। तो तीसरा योजना यह है, दूसरा योजना यह है कि शिक्षा का मानवीकरण। सबको आवश्यकता है ही है समझदार होना, इसलिए समझदारी की सारा वस्तुओं को शिक्षा में समावेश किया जाए। उसके लिए सिलेबस बनाया गया, किसी स्कूल में प्रयोग भी किया गया। वो स्कूल वहाँ है गोविंदपुर में, बिजनौर जिले में है। उसमें ये पता लगा कि एक बहुत अच्छी अनुभव हुआ 4-5 वर्ष में, कि पहले सारा शिक्षाविद इसी को नारा लगाते रहे, वातावरण का प्रभाव मैंने विद्यार्थियों पर पड़ता है। तो वहाँ हम लोगों ने यह अनुभव किया, विद्यार्थियों का प्रभाव वातावरण पर पड़ता है, उल्टा देखा गया। उसको अब विशाल रूप में देखने की अरमान है, उसके लिए प्रयत्न जारी है। और इसके बाद तीसरा योजना है हमारे पास, परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था। शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान केंद्रित व्यवस्था। कुल मिलाकर के क्या है परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था का क्या मतलब है? शक्ति केंद्रित शासन के स्थान पर समाधान मूलक व्यवहार व्यवस्था। इस व्यवस्था को अध्ययन कराने की व्यवस्था मैंने काम किया है। इस ढंग से पूरा दर्शन विचार शास्त्र और योजनाएं इससे निष्पन्न हुई, अब इसको क्रियान्वयन करने के कार्यक्रम में है। अभी आपका सम्मुख ये जीवन विद्या क्या चीज है, जीवन क्या है, जीवन का स्वरूप क्या है, जीवन क्या माने भौतिक वस्तु है, अभौतिक वस्तु है, अभौतिक है तो वो क्या चीज है, ये सभी प्रश्न इसके ऊपर आते हैं, उसका उत्तर इस विधि से आता है। अब जीवन को मैं समझा हूं, आपको समझाने का प्रयास यहां से शुरुआत होता है। इस प्रक्रिया का नाम दिया है जीवन विद्या। पहले आपको ये बात स्पष्ट करना चाहते हैं, जीवन में समानता नित्य विद्यमान है। जीवन क्या चीज है, कुल में जीवन क्या चीज है, इस बात को हर व्यक्ति जानना चाहता है, मानना चाहता है। उसका जानने मानने की बात उसका परिणाम फलों को प्रमाणित करना चाहता है, ये इसका मूल उद्देश्य है। जीवन एक ऐसा वस्तु है, ये भौतिक अभौतिक दोनों नहीं है, जीवन परमाणु ही है। भौतिक रूप में परमाणु में जो कुछ भी मिलते हैं संसार में अभी तक मिला है वह सब परिणामशील है। परिणामशीलता का मतलब है जिस उन परमाणुओं में अंशों का, उसमें समाहित अंशों का और विस्थापन होना भी पाया गया है और उसमें प्रस्थापित होना भी पाया गया है। जैसा ही परमाणु में निहित अंशों का संख्या परिवर्तित होता है वही परिवर्तन है,
और कोई परिवर्तन नहीं है उस संसार में, दूसरे प्रकार की कोई परिणाम होते ही नहीं है। दूसरे प्रकार की कोई परिणाम को आदमी घटित कर नहीं पाएगा। आदमी घटित कराएगा तभी भी परमाणुओं में निहित अंशों का प्रस्थापन ही होगा, माने वृद्धि होगी, विस्थापन होगा, यानी उसमें से अंशों का घटना होगा। जैसा ही संख्या घटा उसका प्रजाति घट गई, उसी को हम परिणाम कहते हैं। ये बात दृढ़ पूर्वक हम सबको समझ में आना चाहिए, शायद है इसमें ना कोई विज्ञानी को अज्ञानी को तकलीफ नहीं है, ज्ञानी अज्ञानी को भी नहीं है, दोनों को इसमें तकलीफ नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा अनुग्रह होता है जीवन को समझा जा सकता है। उसके बाद जो जीवन सब में जीवन की समानता है, किस माने में, गठन पूर्णता के अर्थ में। क्या वो गठन पूर्णता बवाल, एक ही बवाल है, उसमें ना तो विस्थापन होता है ना प्रस्थापन होता है, इतने ही छोटा सा काम, इतनी छोटा सा काम को हम तिल में ताड़ बना, तिल को ताड़ बना करके हम समझे नहीं हैं, हम समझने को प्रयत्न नहीं कर पाए हैं, ये अपने बलिहारी है कि दूसरे की बलिहारी है, ये सोचने की बात। जैसा ही परमाणु में जो परिवर्तन होने वाली जब तक स्थितियां आती हैं, उन परमाणुओं का एक कतार है, उन कतार में ये भी पाया गया है, ये भी देखा गया है, ये भी समझा गया है कि कुछ संख्या तक, संख्यात्मक परमाणु प्रजाति तक लगता है इन परमाणुओं में संख्या अंशों की आवश्यकता बनी हुई है। उसका नाम दिया है भूका परमाणु। दूसरा, वहाँ से दूसरी जगह में जाते हैं, कई ऐसे कतार से कई संख्यात्मक परमाणु ऐसे हैं जिनमें से कुछ अंश बहिर्गत होना चाह रहे हैं, उसका नाम दिया है अजीर्ण परमाणु। इस ढंग से अजीर्ण परमाणु कुछ संख्यात्मक प्रजाति में मिलते हैं अस्तित्व में, और भूखे परमाणु में कुछ संख्यात्मक परमाणु प्रजाति के रूप में मिलते हैं, ये समझ में आता है। ये अजीर्ण और भूखे की जो भाषा प्रयोग किया, ये मानव से संबद्ध। मानव भूखा तभी होता है, भूखा जब कभी भी होता है तब तब वो तृप्त होने के अर्थ में ही होता है। जब जब अजीर्ण को अजीर्णित हो जाता है वो भी तृप्त होने के अर्थ में ही रहता है। क्या बात, ये सोचने की बात है, समझने की बात है। आदमी जब कभी अजीर्ण की पीड़ा का शिकार होता है वो कहीं ना कहीं तृप्त होने के अर्थ में ही है, और यदि भूखे का यदि पीड़ा से पीड़ित होता है तभी भी तृप्त होने के अर्थ में। ये दोनों कतार किसी तृप्त परमाणु के वो संकेत करते हैं, वो तृप्त परमाणु है गठनपूर्ण परमाणु। ये गठनपूर्ण परमाणु ही है जो कि चैतन्य इकाई। चैतन्य इकाई का नाम कैसा दे दिया, क्योंकि संज्ञानशीलता को संवेदनशीलता को पूरा का पूरा प्रमाणित करने का ताकत जीवन में ही है। ठीक, तो जीवन के अभाव में जो शरीर यदि रचित भी कर लें तो भी ना तो संवेदनशीलता को प्रमाणित करेगा, संज्ञानशीलता तो दिल्ली दूर है ही। ठीक है, इस ढंग से मनुष्य संवेदनशीलता संज्ञानशीलता इन दोनों को प्रमाणित करने के क्रम में ही व्यवस्था में जीना बनता है, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना बनता है। छोटा सा काम, एक छोटी सी घाट है ये यदि आदमी के हाथ में आ जाता है, उसके पहले आप बताया हम तभी सार्थक मानेंगे, आप जब समझ गए हमारा समझाना सार्थक हुआ। वो कब प्रमाणित हुआ, जब आप दूसरों को समझा ले गए, तब तक तो हम सार्थक नहीं मानते हैं, प्रमाण नहीं मानते हैं। आपको समझाते तक हम पहुंचते हैं तब अपने को सार्थक मानते हैं, आप दूसरों को समझाया तब उसको प्रमाण मानते हैं, ये हमारा सोचने की तरीका है।
इसमें आप लोग जहाँ तक मैंने सम्मत होते हो नहीं होते हो इस बात को आप ही को सोचना है, मूल्यांकन करना है, ठीक हो। चेतन इकाई अपने आप में व्याख्या सूत्रित व्याख्यात है जो संज्ञानशीलता संवेदनशीलता को प्रमाणित करना है। संवेदनशीलता को जीव अवस्था के जीव जानवर सब प्रमाणित कर गए, और मानव ये कैसा फंसा हुआ है, ये संज्ञानशीलता को प्रमाणित किए बिना ये स्वस्थ हो नहीं सकता। चाहे अपन कितने भी तरीके से सिर कूट लें, अंततः अथवा सिर कूटना ही हाथ लगेगी, और मैंने जो मानव चाहता है वो मिलेगा नहीं। अब चाहता क्या है भाई, मानव चाहता सुखी होना चाहता है कुल मिला के। सुखी होने के लिए कभी हम सोचते हैं संग्रह से सुखी हो जाऊंगा, सुविधा से सुखी हो जाऊंगा, कभी तप से सुखी हो जाऊंगा, कभी जप से सुखी हो जाएंगे, कभी योग से सुखी हो जाएंगे, उससे हो जाएंगे, इससे हो जाएंगे, इसी प्रकार हाथ पैर कूट ही रहे हैं, हाथ पैर पटक ही रहे हैं। तो सारा इस धरती के 700 करोड़ आदमी भी किसी न किसी प्रकार से इन सभी किसी न किसी परिप्रेक्ष्य में वो सुखी होने की तड़प में आई है, ऐसा मेरा स्वीकारना है। अब सुखी होने के लिए मैं जैसा सुखी हुआ उसका आधार समझदारी से हो। समझदारी के से पहले हम सुखी होना हम प्रमाणित नहीं किए थे, सुखी होना हम स्वयं माने भी नहीं थे, सुखी होने का संभावना है ये भी हम नहीं माने थे ना समझे थे। तो समझदारी के बाद ही ये सब उपजा। इसी आधार पर मैं सोचता हूँ हर व्यक्ति समझदार होने के आधार पर ही सुखी होता है। सुखी होने का एक ही बात है, सही में हम मैंने एक है मानव, गलती में अनेक है। ना समझी से गलती होती है, सही से कोई गलती होने का चांसेस ही नहीं। इस ढंग से हम एक वाक्य में आ सकते हैं। इसके लिए समानता की वस्तु को पहचानने की आवश्यकता थी, तो इसमें कौन सा ऐसा चीज़ है तो सही को ले करके धारक वाहक बन करके दौड़ता है वो चीज़ मुझको समझ में आया है, वो है जीवन। जीवन जब अपने समझदारी के साथ जीता है हर जगह में समाधान को प्रस्तुत करता है। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब। समाधान के साथ हर व्यक्ति सुखी होता है, समस्या के साथ दुखी होता है। यह आपका हमारा सबका देखा हुआ लेखा जोखा है। समाधान के जीना ही है समझदारी का मतलब। यह बनता है समझने वाला वस्तु जीवन है, वो भी जीवन कहा मानव शरीर को चलाता हुआ मैंने जीवन। आप हम कुछ भी बैल को गाय को भैंस को जो कुछ भी सिखाए वो सब संवेदनशीलता के अर्थ में है, मारे पीटे और उसको चलने को सिखा दिया, दाना पानी दिए और जो तोता को बोलने को सिखा दिए, ये सब संवेदनशीलता के आधार पर जानवरों को जीवों को कुछ सिखाया जा सकता है। वो सब तो आदमी कर चुका है, उसमें कोई खास बात नहीं। अब आदमी स्वयं क्या कैसा एक दूसरे को समझाया जाए, ये मार पीट करके तो किसी को कोई ने समझा नहीं पाया, ठीक है। मार पीट करके यही है भाई पैदा किया, और जो आजीविका की भय से आदमी जितना देर यंत्रित रहता है उतने देर तक यंत्रित रहता है, उसके बाद भय का कवच को उतार के रख देता है। ये तो नेति विधि से ये पाए गए। आज जिसको हम भयभीत करके अपने आजीविका को सुगम बनाने के लिए, उनके आजीविका के भरोसा दिलाने के लिए हम जितने भी भयभीत किया वो कुछ दिनों बाद वो सब टूट फूट गया। इसका गवाही है विगत में गुजरी हुई दास युग में दिया गया यंत्रणाएं, भोगा गया यंत्रणाएं, और उसके बाद दास युग से मुक्ति होना भी इतिहास में अंकित है।
इस ढंग से हम इस बात की मूल्यांकन कर सकते हैं तो हम भयभीत करके कोई सही जगह में जाने की जगह नहीं है। यदि जगह है तो संवेदनशीलता की जगह में है। संवेदनशीलता में भय और प्रलोभन होता ही। भय और प्रलोभन के आधार पर ही हम अभी जितने भी राष्ट्र कहते हैं, जितने भी धर्म कहते हैं, जितने भी प्रौद्योगिकी व्यवस्था कहते हैं, ये व्यापार संस्था कहते हैं, ये सभी का सभी भय और प्रलोभन को केंद्र में रख करके अपने को व्यवस्था देने की दावा करते हैं। जबकि ना भय व्यवस्था होता है ना प्रलोभन व्यवस्था होता है। छोटी सी बात। यदि ये स्वीकार होता है हो क्या होना ये चाहिए निरंतर जो मनुष्य के पास मूल्य और मूल्यांकन होना चाहिए, मूल्यों को पहचानने की विधि चाहिए, मूल्यांकन करने की टेक्निक चाहिए। ये दोनों चीज हमारे पास रहने से निरंतर समाधान की परंपरा चलेगी। मूल्यों को मूल्य जो है ना समझदारी के आधार पर बात ही है, मूल्यांकन भी समझदारी का ही प्रक्रिया है। ये शरीर की शारीरिक आंतरिक प्रक्रिया नहीं है। अभी विज्ञान का जोर जुलूम यही है सभी को यांत्रिक होना चाहिए, ये भावुक नहीं होना चाहिए। ठीक, तो यांत्रिक होना चाहिए भावुक नहीं होना चाहिए, तो इसी में यांत्रिकता में भय और प्रलोभन से जूझे रहो। और भय और प्रलोभन की जूझते तो वो जो विद्या जो बनी विज्ञान विद्या, तो ये धरती को ही बर्बाद करने की जगह में आए। मानव परंपरा रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, यांत्रिक विधि से क्या हो गई? ये धरती रहेगा नहीं रहेगा इसी में प्रश्न चिन्ह आने लगे, जिसको विज्ञानी लोग खुद ही बोलते रहते हैं, पेपरों में हम लोग पढ़ते ही रहते हैं। ये सब बीती गुजरी हुई घिसी पीटी बात है। तो इन आशयों को यदि हम हृदयंगम कर पाते हैं तो तब अपने में एक जिज्ञासा जन्म भी सकता है। आखिरकार कोई समस्या है तो समाधान भी तो होगा। समस्या के लिए कुछ होता नहीं है। कितने भी समस्या को इकट्ठा करो तो समाधान तो होता नहीं है। समस्या से समस्या ही है और कुछ होता नहीं, पता चल गई तो समाधान हमको चाहिए। समाधान के बिना राहत नहीं है। इसीलिए समाधान पाने के लिए मूल्य और मूल्यांकन की जरूरत है। मूल्य और मूल्यांकन विधि से व्यवस्था को समीकरण करने वाली पद्धति को हमें विकसित करना है। ठीक है, इस ढंग से मानव अपने जीवन संबंधी जीवन को केंद्र में रखकर जीवन संबंधी जीवन तृप्ति संबंधी सारे बातों को समझकर यदि व्यवस्था को समीकरण करेंगे हम सफल हो जाएंगे। यदि जीवन को भुलावा देकर शरीर के अर्थ में हम जितने भी व्यवस्था देते हैं, ये जितना व्यवस्था देंगे उतने में और अव्यवस्था पैदा होता है। व्यवस्था देने के लिए भी हमको अव्यवस्था करना है। इस जगह में हम आ गए हैं। इसीलिए इस छूत से, इस अभिशाप से, इस प्रवृत्ति से हम छुटकारा पाना संभव है। कैसे संभव हुआ? पहले मुद्दा क्या हुआ? आप हमारे में सब में जीवन समान रूप में कार्यरत है। ठीक है, तो शरीर को जीवंत बना के रखता है। फलस्वरूप ठंडा गर्मी अच्छा बुरा ये सब हाथ पैर कान नाक से हम पहचानते हैं और जो अच्छा को स्वीकारते हैं अब बुरा को बहिष्कृत कर देते हैं। ये सब करते हैं, यही किया जा सकता है और कुछ किया भी नहीं जा सकता। इतना तो करे आए हैं। अब होना चाहिए क्या? अच्छा होगा कैसा? अच्छा होने का प्रमाण क्या है? इस जगह में आना है। अच्छा लगने से अच्छा होता नहीं है, ये तो बात होगी, हो ही गया। क्योंकि ठंडे अच्छा लगता है सदा ठंडे में रहो, ऐसा होता नहीं है। गर्मी अच्छा लगता है गर्मी में सदा पड़े रहो, ऐसा भी होता नहीं। ठीक है, तो कोई भी ऐसा शरीर की कृति नहीं है जो सतत बनाए रखो, ऐसा होता नहीं, बारंबार बदलना ही। इस आधार पर मनुष्य को ये सद्बुद्धि की आवश्यकता है। हम जीवन के आधार पर हर बात को निर्णय लेने की एक सद्बुद्धि की आवश्यकता है। जीवन सब में है, समान है और जीवंत मनुष्य में, और जीवन का ताकत समान है। कैसे? शक्ति और बल के रूप में। जीवन शक्ति और जीवन बल दोनों अक्षय है।
ये कभी मिटने वाला नहीं, निरंतर शक्ति बल बहता ही रहता है। ये घटना ही नहीं है तो फिर क्या क्या तकलीफ है? तो कैसा घटता नहीं है, क्योंकि इसमें कोई परिणति होना नहीं है जीवन परमाणु में। जो शक्ति है वो उतना बराबर बरकरार रहता ही है, कितना बल है वो उतना बल बरकरार रहता ही है। इसी का नाम है अक्षय शक्ति, अक्षय बल। तो ये दो शब्द से क्या मतलब है? मतलब ये है, शक्ति गति के रूप में प्रमाणित है और स्थिति में बल प्रमाणित है। इसका गवाही हर मनुष्य है। मनुष्य अपने को मेरा होना स्वीकारता है, मेरा होना ना स्वीकारता है, ऐसा कोई मनुष्य मिलता नहीं है। यदि मिलता है तो मृतक रहेगा, बेहोश रहेगा, रोगी रहेगा, कुछ ना कुछ रहेगा, ऐसा स्थिति रहेगा। स्वस्थ मनुष्य हर व्यक्ति अपने को होना स्वीकारता है। होना ही वर्तमान है, वर्तमान में ही हर वस्तु का अध्ययन। उसी क्रम में वर्तमान में जीवन सब में समान है और बल और शक्ति समान है। तीन बात हो गई। चौथा बात है, जीवन का लक्ष्य एक ही है। आपका हमारा ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। आपका हमारा ये जितने भी 700 करोड़ आदमी इस धरती पर है, सबका लक्ष्य एक ही है, वो है सुखी होना। इन चार बातों को ध्यान में रखने की आवश्यकता है। ऐसे इकाई का नाम है चैतन्य इकाई, जीवन गठन पूर्ण परमाणु। ये तीनों बात समझ में आना चाहिए। अब इसको कौन बनाता है? दूसरी ओर ये भी बात आती है, अभी तक कोई बनाने वाला बिगाड़ने वाले की झंझट अभी तक बना ही है। उसी के आधार पर मनुष्य भी सोचता है, हम भी बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ। यही विज्ञान का मूल आधार है। तो बनाने बिगाड़ने की झंझट में पड़ने के कारण से हमारे में काफ़ी कुंठाएँ आ चुकी। हम कुछ लोग कहते हैं हम ये कर सकता हूँ, कुछ लोग कहते हैं नहीं कर सकते। ठीक, जैसा एटम बम बनाना, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं कि हम बना सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ देश कहते हैं हम नहीं बना सकते हैं। ये दोनों बात हो सकता है नहीं हो सकता है वाला बात दोनों चल ही रहा है। इसीलिए ये समानता का कोई अर्थ नहीं हुआ। समानता का अर्थ होता सब कोई बना ही लेते, घर घर में एटम बना लेते, घरे में फोड़ लेते, मर जाते सीधा सीधा, वो बना नहीं सकते। तो क्यों बना नहीं सकते हैं? इसका ये कि है सह अस्तित्व विरोधी है, इसलिए नहीं बना सकते। इसका कारण क्या है? सह अस्तित्व विरोधी है। अस्तित्व जो है सह अस्तित्व सहज है, सहजता से भिन्न हम कुछ भी करते हैं कहीं ना कहीं उसका विरोध होता ही है। अधिकांश लोगों में इसका विरोध रखा ही है। ये आपको भी इसका गवाही मिल चुकी है, हमको भी मिल चुका है, इस पर अपने को यकीन करना चाहिए। ऐसे जो मनुष्य का समानता का वस्तु जो कुछ भी मिली है, आहार आवास अलंकार संबंधी वस्तुओं के बारे में हम अभी तक पहुंच चुके हैं, इसमें समानता अवश्य मिली है। इन समानता के आधार पर हम अच्छे ढंग से जो इसको लोगों के साथ प्रस्तुत करने की कोशिश किया, इसमें इसके साथ अभिशाप बने व्यापार। व्यापार हो गया लाभान्वादी, लाभान्वादी होने के कारण से ज़्यादा कम वाला पिशाच पीछे पड़ गया। एक आदमी सोचता है ज़्यादा है, एक आदमी सोचता है कम है, और कम और ज़्यादा का झगड़ा बना ही रहेगा। और विज्ञान ये मानता ही है कि झगड़ा करना ही करना है, इसलिए ज़्यादा कम को बरकरार रखना ही है। ऐसा हो गया, इस झंझट में आदमी कहीं जीने की स्वस्थ रूप में जीने की जगह मिलेगा नहीं। इसीलिए स्वस्थ रूप में जीने के लिए हर मनुष्य को मूल्य और मूल्यांकन विधि से जीने की तरीका लाना ही होगा। उसका पहला चरण क्या है? समझदारी है, ठीक है। दूसरा चरण है ईमानदारी, तीसरा चरण है जिम्मेवारी। इन तीन चरण में मानव अपने समझदारी को प्रमाणित करना, पुनः प्रमाणित हो करने के लिए वह संबल को जुटाना, ये दोनों चीज़ जुड़ जाता है। इस क्रम को पाने के लिए हम समझदारी का अर्थ में तीन मुद्दा आपके सम्मुख रख चुके थे। पहला है जीवन, दूसरा है अस्तित्व, तीसरा है मानवतापूर्ण आचरण। उसमें से जीवन का स्वरूप के बारे में अभी आपको बताएं।
इस जीवन समझ में आने पर हमको ये एक सूत्र हासिल हुई, वो है जीवन नित्य है, शरीर जीवन के लिए एक घटना घटता ही रहता है। किस विधि से? जो शरीर का रचना गर्भाशय में ही होता है, ये घटना बारंबार घटता ही रहता है और जीवन सदा सदा रहता ही। किस आशय के लिए रहता है? तो निरंतर सुखी होने के आशय में रहता है। सुख को कहाँ प्रमाणित करेगा? मानव परंपरा में प्रमाणित करेगा। इस ढंग से काम है, क्योंकि संवेदनशीलता संज्ञानशीलता को प्रमाणित करने का जो कुछ भी अवसर है, संभावना है और आपूर्ति है, ये मानव परंपरा में ही है और कोई परंपरा में नहीं है। इस आधार पर हम जीवन की समानता को पहचानने की आवश्यकता बनी, क्योंकि हम सही में एक हैं, गलती में आने का जीवन समझ में आने से, जीवन की समानता समझ में आने से हम सही करने के लिए इच्छुक होना स्वाभाविक है। ठीक है, उसके लिए प्रयत्न करने का पहला मुद्दा है जीवन को समझना। इसका नाम है जीवन विद्या। ठीक है, जो जीवन विद्या में जो पहले जीवन और विद्या दो शब्द हुआ, और विद्या का धारक वाहक जीवन है। विद्या का स्वरूप में तीन भाग होता है, विद्या विद्वता और जो विद्वान। ठीक है, विद्वा विद्या विद्वता विद्वान। विद्या संपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, अस्तित्व में जीवन भी अविभाज्य। ठीक है ना, विद्वता जो होता है वो जीवन में होता है, विद्वान मनुष्य में होता है। ये तीनों बात अपने को पढ़ना चाहिए, विद्या विद्वता विद्वान। असंपूर्ण अस्तित्व ही विद्या है, उसमें जीवन भी समाहित है। ठीक है, तो समझने वाला वस्तु क्या है? विद्वता को संभाल रखने वाला कौन है? जीवन। और उसको प्रमाणित करने वाला कौन है? मनुष्य, जो शरीर और जीवन का संयुक्त स्वरूप में रहता है। यह भी इस विधि से मनुष्य का महिमा और जीवन का महिमा, सह अस्तित्व का महिमा अपने आप से स्पष्ट होता है। मुझको ये बात समझ में आया है, सह अस्तित्व की आधार पर ही ये सब महिमाएं उपजी है। अस्तित्व सहज है सह अस्तित्व, सह अस्तित्व सहज है विकास, विकास सहज है जीवन, जीवन सहज है जागृति। ठीक है ना, जागृति उसके लिए दृश्य संसार है, रासायनिक भौतिक रचना विरचनाएं। इस ढंग से ये सब एक दूसरे से अंतर संबंधित घटनाएं हैं। ये सारा घटनाएं नित्य वर्तमान है, रासायनिक भौतिक रचना में रचनाएं ना हो ऐसा कोई क्षण आप नहीं पाएंगे, कोई दिन नहीं पाएंगे, कोई समत नहीं पाएंगे, कोई शताब्दी नहीं पाएंगे। हर क्षण में रासायनिक भौतिक रचनाएं विरचनाएं मैंने बनते रहते हैं। इस क्रम में इसको इसका जो दृष्टा होता है वो कौन होता है? जीवन है होता है। देखने वाला समझने वाला कौन होता है? जीवन होता है, जीवन ही समझता है, शरीर कुछ भी नहीं समझता है। जीवन तो जहां नहीं रहता है, जीवन का जीवंतता जिस शरीर की जिस भाग में रहता नहीं है उसको शून्य माना जाता है, शून्य स्थली। उस जगह में गर्मी डालो तो भी समझ में नहीं आता है, ठंडा डालो तो भी समझ में आता है। दूसरा, जो जब कभी भी ये अस्पतालों में ऑपरेशन करते हैं उस समय में कोई बेहोश होने की एक काम देते हैं, दवाई देते हैं, उसको देने के पश्चात वो उसको स्थानीय रूप में भी दिया जाता है, पूरा शरीर भी बेहोश हो जाए ऐसा भी दिया जा सकता है। उस समय में जाए मारो काटो पोल दे कुछ भी कर दे कोई पता नहीं लगता। यह सब तो बात देखी हुई जीती हुई जीता जागता हुआ देखा हुआ बात है। इस आधार पर जहाँ जीवन जीवंतता बनाए रखता है
वहीं संवेदनाएं पूरा समझ में आता है। जीवन अपने स्वतृप्ति के लिए जहाँ जिज्ञासु होता है, उसके बाद ही जो सत्यता यथार्थता वास्तविकता समझ में आता है, फलस्वरूप जीवन सुखी होने का आधार बनता है। इस ढंग के काम, इस ढंग से हम जीवन को समझने के लिए आवश्यकता बनी, पता लगता है ये आवश्यकता क्या पैसे वालों को जरूरत है, क्या दरिद्रों को जरूरत है, क्या मोटा तगड़ा पहलवानों को जरूरत है, क्या बड़ी दुबला पतला दुर्बल लूला लंगड़ा को जरूरत है, या हम सोचते हैं तो बड़ी धनी को जरूरत है, क्या निर्धनी को जरूरत है, किसको जरूरत है, पूछा जाए तो क्या निकलता है, हर जीवंत व्यक्ति को जरूरत है, यही निकलता है। तो इसमें दूसरा अपने को सूत्र मिलता है, जीवन विद्या से कोई वर्ग संघर्ष का आधार नहीं है, ये पूर्ण साम्यता का आधार है। अब सबकी शुभ के लिए ये आधार है, सबकी सौभाग्य के लिए ये शुरुआत है, सबकी निरंतर सुखी होने का स्रोत है, समाधानित रहने का प्रमाण है, ये सब चीजें इससे अपने आप से उद्गमित होते हैं। मैं समझता हूँ मानव इसी को चाहता है, ऐसे ही जीना चाहता है, ऐसे ही रहना चाहता है, ऐसे ही खुश रहना चाहता है। इस अद्भुत उपादेयता के साथ हम सबके साथ सुखी से जी सकते हैं, अकेले कोई होता नहीं, ये सिद्धांत आता है। हम ये धरती के संबंध को छोड़ करके सुखी होने का प्रयत्न करें कोई, मानव तो नहीं कर सकता, नहीं हो सकता। पानी का संबंध को छोड़ करके करो ना भाई, सुखी हो जाओ, हो नहीं सकता। हवा का संबंध को छोड़ दे, हरियाली हो जाएगी, कामे हो जाएगी, तमा, हो नहीं सकता, क्या बात। तो ये इन्हीं चीजों के संबंध को छोड़ करके हम सुखी नहीं हो सकते हैं, और जीवन संबंध को छोड़ करके कैसा जीवोगे रे, कैसा होगा भाई, कैसा यांत्रिक हो जाएगा, और भावनात्मक संसार से कैसे मुक्ति पा जाएगा, क्या हो सकता है, आप ही सोचो ये कैसा हो सकता है। और भाव का मतलब भी है मूल्य, क्या बात है। अभी आप जाते हो, सभी जाते हैं संसार में, पूछते हैं सब्जी का क्या भाव है, पूछते हैं ना, सोने चांदी की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, लोहे की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, और अनाज की दुकान में जाकर के पूछते हैं क्या भाव है, हर जगह में भाव ही पूछा जाता है, ठीक है। वो भाव का दृष्टा कौन है, मनुष्य ही होता है, दूसरा कोई होता नहीं है, ठीक है। अब जब आपको लोहे का भाव होगा ये हमको पता है, मट्टी का भाव होगा ये भी पता है, तो घास का भाव होगा ये भी पता है, जब मनुष्य का भाव भी होगा ना, नहीं होगा, आसानी से होगा, सुख से होगा, प्रसन्नता से होगा, मनुष्य का भाव को पता लगाना ही बहुत आवश्यक वस्तु रहा, उसको छोड़ करके सबका भाव पकड़ लिया, जिससे लाभ का माने अवसर बना रहता है, वो सभी भावों को पकड़ लिया। मनुष्य का भाव अर्थात मूल्य को समझ लें, लाभ आने से मुक्त हो जाएगा, ये संकट गहरा जाएगी, यदि ये संकट है, सुख है तो अपना लेगा, यदि यही सुख है तब तो इसको अपना लेगा। तो मानव मूल्य समझ में आने की बात, जीवन मूल्य समझ में आने की बात, अवस्थापित मूल्य शिष्ट मूल्य समझ में आने की बात, हमको लाभ हानि का आवश्यकता शून्य हो जाता है। कितनी बड़ी भारी संसार की छाती का पीपल समाप्त हो सकता है, लाभ हानि से जकड़ा हुआ आदमी ना तो अपना बचता नहीं है, बचते ही नहीं, ना पराया तो बचना ही नहीं, तो लाभ हानि के चक्कर में सबका कत्ल चकनाचूर, ठीक है।
इस झंझट से मुक्ति तो इसी विधि से आता है, मानव अपने मूल्यों को समझने में समर्थ होता है। उसके पहले ये होने वाला नहीं है। हम बहुत बहुत सिरकूटे हैं विविध प्रकार से, ऐसा कुछ हुआ नहीं, ठीक है ना। तो उसका गवाही है साम्यवाद और पूंजीवाद। साम्यवाद भी अंततोगत्व राष्ट्रीय लाभ के लिए जूझा, लाभ से मुक्त नहीं हुआ, सार संक्षेप। और पूंजीवाद सदा सदा घोषित लाभवादी है, वो तो करता ही है, अब कहां से अपन छूटे। इसीलिए तो लाभानि से मुक्त होने के लिए मनुष्य अपने मूल्यों को समझने की आवश्यकता, मानव मूल्यों को निर्वाह करने की आवश्यकता आती है। ये कैसे आएगी? जीवन विद्या समझ में आने से, अस्तित्व सह अस्तित्व के रूप में समझ में आने से, और मानवता पूर्ण आचरण में विश्वास होने से मानव मूल्य चरितार्थ होता है। इसके पहले होने वाला नहीं। इसी का नाम है समझदारी। मानव मूल्य जब हम चरितार्थ करने शुरू करते हैं, तभी हम सही करने में निष्णात होते हैं, पारंगत होते हैं, प्रमाणित होते हैं। जब तक लाभोन्माद से जकड़े रहेंगे या और उन्माद से जकड़े रहेंगे, तब तक हमको सही करने का कोई रास्ता मिलता ही नहीं। ये एक छोटी सी घाट है, ठीक है। इन घाट में जूझता हुआ आदमी क्या क्या किया उसका लेखा जोखा हर दिन पेपरों में आती रहती है, उसको आप लोग सब देखते ही हैं, जिससे बहुत लोग रोमांचित भी होते हैं, बहुत लोग सिर भी कूटते हैं, कहाँ से कहाँ पहुँच गए ऐसा भी रोते हैं। ये सब हमारा देखी हुई बात, ठीक है। इन प्रमाणों इन गवाहियों के साथ साथ हम आगे बढ़ते हैं। मनुष्य जो है जैसा ही समझदार हो जाता है, समझदार होने के लिए जीवन को समझना है, उस मुद्दे पर और आगे की घाट आता है। जीवन विद्या, विद्या एक शब्द है, जीवन एक शब्द है। विद्या का दो भाग है, जीव ज्ञान और दर्शन। इन दोनों का धारक वाहक जीवन ही है। विद्या का दो भाग में से जो जीवन ज्ञान का मतलब होता है, जीवन जीवन को समझने की प्रक्रिया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। जीवन ही जब अस्तित्व को समझने के लिए तत्पर होता है, समझता है, उस क्रिया का नाम है मैंने दर्शन, अस्तित्व दर्शन, ठीक है। जीवन विद्या, विद्या का मैंने मतलब ज्ञान, जीवन का ज्ञान हो गया है, जीवन को जीवन जानने मानने पहचानने निर्वाह करने लग गया, इसका नाम है जीवन ज्ञान। विद्या में दोनों समय, दर्शन भी समय, ज्ञान भी समय। इस ढंग से जो विद्वान जो होता है, विद्वान मानव होता है ना, विद्वता जीवन में होता है, ठीक है। और विद्या अस्तित्व ही है, जीवन ही है, सह अस्तित्व ही है, सह अस्तित्व में जीवन अविभाज्य है। ये बात आपको समझा दिए हैं। इस ढंग से हम जीवन विद्या का परिभाषा को स्वीकार सकते हैं। ऐसे जीवन, सभी जीवन समान है, सारे मनुष्य में जितने भी मनुष्य को हम पाते हैं, बड़े बूढ़े छोटे बड़े कुछ भी, सब में जीवन समान। कैसे समानता की बात आ गई? जीवन जीवन को समझने की विधि में, प्रमाणित करने की विधि में, जीवन अस्तित्व को समझने की विधि में, प्रमाणित सह अस्तित्व को प्रमाणित करने की विधि में ये समान है। ये कहीं भी हमारा हाथ पैर नाक कान और मेधस तंत्र, चक्षु तंत्र, गल तंत्र, हृदय तंत्र, कोई तंत्र में इसकी स्थान नहीं है। इनके इन सभी बातों सभी स्थलियों को मैंने स्वयं देखा है, इसमें कोई इस प्रकार की व्यवस्था नहीं। व्यवस्था किसमें है?
जीवन में ही जीवन को समझने की व्यवस्था है और जीवन ही अस्तित्व को समझने वाला वस्तु है और दूसरा कोई समझेगा नहीं। ठीक हो गए। इस ढंग से हम इस निष्कर्ष पर आते हैं, मनुष्य समझदारी को व्यक्त करने के लिए जीवन और शरीर का संयुक्त रूप में होना जरूरी है। केवल जब शरीर रहेगा तभी भी नहीं होगा, केवल जीवन रहेगा तभी भी नहीं होगा। इनके संयुक्त रूप में ही मनुष्य विद्या को प्रमाणित करेगा। ठीक है। दर्शन और ज्ञान इन दोनों चीज को प्रमाणित करेगा। प्रमाणित करने का जो केंद्र बिंदु क्या हुआ, व्यवस्था में जीना, व्यवस्था के रूप में जीना, समग्र व्यवस्था में भागीदारी करना, यही समझदारी का मतलब।